गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जिन स्टूडेंट ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट शुरू किया है, पिछली क्लास में हमने बायोडायवर्सिटी स्टार्ट किया था और बायोडायवर्सिटी के सिलेबस में अभी तक हमने देखा था कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी के लेवल क्या हैं, बायोडायवर्सिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, बायोडायवर्सिटी स्लोप किसे कहते हैं, जैव विविधता प्रवणता की हमने बात की थी। फिर हमने देखा था कि जैव विविधता का महत्व क्या है। फिर हमने देखा कि जैव विविधता को किस प्रकार से हानि होती है, नुकसान पहुंचता है। फिर हमने देखा था कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन की बातचीत की थी। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मैंने खत्म कर दिया था कि जब किसी भी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अलावा अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, जैसे कि सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब बहुत निम्न तापमान पर संरक्षण, जीन बैंक, इस तरीके के उदाहरण मैंने आपको उसमें दिए थे। यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हुई थी। जो लाल लाली आज पहली क्लास के रूप में इसको देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्लास को भी वो देख लीजिएगा ताकि उससे आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। आज की क्लास भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, उसके अलावा हॉट स्पॉट, हॉप स्पॉट और भी इससे जुड़े हुए कई सारे पहलू। आज हम कोशिश करेंगे कि बायोडायवर्सिटी को पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म करें। और आज के टॉपिक का मतलब होगा कि बायोडायवर्सिटी नाम का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की और बातचीत करते हैं जैव विविधता पर। यदि आपने बायोडायवर्सिटी इसके पहले भी पढ़ा हो तो भी इस क्लास को देखिएगा और रिवीजन के नजर से और एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मिले उसे नोट करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बायोडायवर्सिटी की। बस दो मिनट का समय मैं आप लोगों का लूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। और ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलता है। MK लाइव हमारा रिफर कोड है जो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट उपलब्ध कराता है। कॉम्बो का मतलब GS और ऑप्शनल दोनों सब्सक्रिप्शन। यहां प्राइस पर मैं बातचीत कर दूंगा थोड़ी सी कि आप यदि क्वालिटी एजुकेशन पर भरोसा करते हैं, यदि आपको भरोसा है आपको अपनी मर्जी के शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिले, न कि आप पर थोपे जाने वाले शिक्षकों से न पढ़ना हो, तो आप सब्सक्रिप्शन प्रेफर करते चलिएगा। क्यों अनअकैडमी का ही मैं ऑफर आपको बताता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण है फ्रीडम, जो आपको अपने मर्जी के एजुकेटर से पढ़ने का मौका देती है। वो बात जो यूपीएससी की तैयारी में आपको अपने मर्जी के गाइडलाइन, आपको अपने मर्जी का मेंटरशिप अवेलेबल कराती है, ये केवल और केवल अनअकैडमी पर ही आपके पास है। भारत के किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं पर भी ये फैसिलिटी नहीं है। हमारा सीसेट का बिल्कुल जीरो से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ ये अवेलेबल है, मतलब 8,999। इसमें 10% आप डिस्काउंट ले लेंगे तो लगभग 8,099 रुपए में ये आपको मिल जाता है। इससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट और कुछ नहीं। साथ ही साथ आप लोग 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। 57 आउट ऑफ 79 क्वेश्चन मेंस की टेस्ट सीरीज से, इस बार अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज से सवाल आए हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी जिन स्टूडेंट्स को करनी है, जो मेंस निकालने वाले हैं, जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया है, वो भी शुरू कर सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप के माध्यम से आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं जैव विविधता का संरक्षण। एक बेसिक बात हमने कर ली थी जैव विविधता की, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं जैव विविधता का संरक्षण। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मोटिवेशन हसमुख ऐसे मत कम होने दिया करो।
मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि एक मोटिवेशनल क्लास आप तक पहुंचे। और अपने ऊपर भरोसा रखो, भरोसा का मतलब हुआ कि यकीन करो कि आप यदि पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अपने सिलेबस को पूरा करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, चीज़ों को दोहराओगे, चीज़ें प्रॉपर तरीके से कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करोगे, तो कैसे फेल हो जाओगे। सफलताओं के लिए मेहनत के अपने चरण पूरे करिए, आपके पास सफलताएं आराम से आएगी। पर यदि आप कोई जादुई चमत्कारिक और शॉर्टकट के रास्ते में हैं तो सफलताएं आए ना आए, लेकिन आपको जिंदगी का एक अध्याय पढ़ाकर जाएगी जो बताएगी कि यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। कहने का साधारण सा तात्पर्य है, लाल लालियो, सब बेहतर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ी बहुत तकलीफें आपकी जिंदगी में है, थोड़ी बहुत तकलीफें हमारी जिंदगी में है, दुख हरेक की जिंदगी में है, बशर्ते बस यही बात तय करती है सफलता और असफलताओं को, लड़ कौन रहा है और हार कौन रहा है। तो मेरे साथ एक स्वर में कहिए कि दुख तो होंगे लेकिन लड़ने की ताकत आज भी है, और हम इतनी आसानी से हारने वाले लोग नहीं हैं। आज पढ़ाई में काम मन नहीं लग रहा है तो उसको बताओ, जिद करो, कुर्सी पर बैठ जाओ, कैसे पढ़ता नहीं है, आधे घंटे तक अपनी जिद पर अड़े रहो, कोई मोबाइल हाथ में नहीं रखो, किताब सामने रखो, देखे तो सही तुम्हारे मन की औकात कितनी है कि कब तक नहीं पढ़ेगा। आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट बैठे रहो टेबल कुर्सी के सामने, देखे कैसे आखिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। कुछ लाल लाली कहते हैं कि सर कुछ दिन तो मोटिवेशन रहता है, कुछ दिन मोटिवेशन नहीं रहता है। जिस दिन मोटिवेशन नहीं रहता है उस दिन चुनौती दो अपने आप को, कितने घंटे पढ़ सकते हो। एक बार तो जिद्दी बनो, एक बार तो अपने पढ़ाई के लिए अपने मन के खिलाफ विद्रोह करके देखो, तुम्हें भी आजादी मिलेगी, तुम भी आत्मनिर्भर बनोगे और तुम भी अपना स्वर्णिम भविष्य लिखोगे। पर एक बार तो तुम्हें अपने मन से विद्रोह करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक लड़ाई तुम्हारी किसी और से नहीं, तुम्हारी अपने खुद से ही है। जब जब तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप से हार रहे हो, यकीन मानो कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हो। पड़ोसियों से हार जाना, घर वालों से हार जाना, शिक्षकों से हार जाना, ये कोई बड़ी हार नहीं है, बड़ी हार तो है खुद से हार जाना। आज पढ़ने का मन नहीं है और आप सच में ना पढ़ाई करें तो समझ जाओ कि वो उस दिन तुम हारे थे और उस हार का हिसाब तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए दिन प्रतिदिन की जीत तय करो, जो प्रतिदिन जीतेगा वो अंतिम दिन भी जीतेगा। इसलिए हर दिन एक लड़ाई है, खुद से खुद की, खुद के लिए, तभी जाकर अंतिम परिणाम अपने हाथ में होंगे। बाकी किसी दिन हमारी फिर मुलाकात चलती रहेगी। आज हम बायोडायवर्सिटी पर काम करने जा रहे हैं, तो पहले बायोडायवर्सिटी को थोड़ा सा समझते चलिएगा और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अध्ययन में लगिए। आप कमेंट्स थोड़ा सा कम करिए, सोचिएगा कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लास है, 1 लाख रुपए की फीस मास्टर को दी है, मास्टर को पैसे देने के बाद मास्टर बैठने दे रहा है कक्षा में और प्रॉपर तरीके से हम उस पैसों की वसूली कर रहे हैं, इसे मुफ्त की कक्षा के रूप में मत कंसीडर करिएगा। आइए जीवन में जैव विविधता के संरक्षण पर, जैव विविधता का एक्सीटू कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि उसे प्राकृतिक आवास उसके प्राकृतिक जगह से किसी और जगह पर जब संरक्षित किया जाता है, ये पिछली कक्षा में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन में हम उसे अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं, ये ज्यादा सस्टेनेबल होता है, थोड़ा महंगा हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा जमीन घेरता है, लेकिन यह वन्य जीवों के विकास के लिए वो प्राकृतिक परिस्थितियां रखता है जिससे कि वह अपनी आबादी को सामान्य तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक सीटू कंजर्वेशन में हमने कई उदाहरण देखे थे, वैसे ही इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे सामने कई एग्जाम्पल है, जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य,
वाइल्ड लाइफ हम कहेंगे कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ी संरक्षण की साइट होती है। चौथा प्रोटेक्टेड एरियाज संरक्षित क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आएंगे। कई सारे क्षेत्रों को सरकार प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत शामिल करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य 1972 के भारत के वन्य जीव अधिनियम के तहत बनाने का अधिकार देश में केंद्र और राज्य सरकारों को दिया गया है। वन्य जीव अभयारण्य में मनुष्य को थोड़ी बहुत गतिविधियां करने की अनुमति है, जैसे पर्यटन, सूखी लकड़ी को चुनना, घास को चराने के लिए गाय भैंसों को ले जाने की अनुमति, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ऐसे कार्य करने की अनुमति अभयारण्य में होती है। अभयारण्य एक विशेष प्रजाति को समर्पित हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरीज, पर आपने बर्ड नेशनल पार्क नहीं सुना होगा। तो एक विशिष्ट प्रजाति के लिए भी अभयारण्य बनाए जा सकते हैं। अभयारण्य आकार में सामान्यतः नेशनल पार्क से छोटे होते हैं। अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यह पहला चरण होता है संरक्षण का। यदि यहाँ जैव विविधता ज्यादा हो तो यह नेशनल पार्क बन जाता है। यदि यहाँ पर जैव विविधता का महत्व और हानि की संभावनाएं और भी ज्यादा हो तो वह बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। आइए बायोस्फीयर वन्य जीव अभयारण्य को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं सेंचुरीज की, अभयारण्य की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकारों के द्वारा वन्य जीव घोषित किए जा सकते एक जंतु या पादप प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी मानवीय गतिविधियों में थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियां पर्यटन की अनुमति होती है। किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होती है और जब तक कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसकी अनुमति ना दे, हमारे देश में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, जब तक कि वो अनुमति नहीं देगा तब तक उस क्षेत्र को अभयारण्य या नेशनल पार्क घोषित नहीं किया जाता। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के माध्यम से अभयारण्य क्षेत्र को घोषित करेगी, फिर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड उसकी अनुमति देगा। भारत में इस समय 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो लगभग 3.73% क्षेत्र को संरक्षित करते हैं। मतलब इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सभी याद नहीं रखना लेकिन नंबर जरूर याद रखना, कई बार जोड़ी बनाने के प्रश्न बनते हैं। फिर दूसरा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बहुत ही कठोर संरक्षण के साथ होते हैं। यहाँ दो प्रकार के क्षेत्र बनाए जाते हैं, एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। कोर जोन में कोई मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती, कोई मानवीय गतिविधि अलाउ नहीं है। बफर जोन में केवल पर्यटन की अनुमति होती है, बाकी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं। आप यहाँ सूखी लकड़ी नहीं चुन सकते, मछली पालन नहीं कर सकते, गाय भैंसों को यहाँ घास चराने नहीं ला सकते। ये बहुत ही प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। पर्यटन की केवल अनुमति यहाँ पर बफर क्षेत्र में दी जाती है। ये भी 1972 के कानून के तहत बनता है, लेकिन केंद्र सरकार के हाथ में होता है। पशु पक्षियों का शिकार करना, पकड़ना, मछली मारने पर प्रतिबंध होता है। जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध होता है। हथियारों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध होता है। पशु चारण पर प्रतिबंध होते हैं। यहाँ तक कि नेशनल पार्क की बाउंड्रीज भी जल्दी नहीं बदली जाती। अगर हम बात करें, भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जो 1.33% ज्योग्राफिकल एरिया में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है जम्मू कश्मीर का। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड है अंडमान निकोबार का। और सबसे नया लेटेस्ट वाला दिहांग पटकाई और रेमोना है असम में। मैक्सिमम नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में 10 मिलते हैं। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। 1972 के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से
इसे प्रारंभ किया गया था मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। इसे यूनेस्को के अंतर्गत चलाया जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक शाखा या एक हम कहेंगे शाखा कहने की जगह एक संस्था है जो विश्व में विश्व विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण पर काम करती है। भारत में यह कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू हुआ 1986 के आसपास। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन यूनेस्को की विश्व सूची में इन 18 में से केवल 12, पहले 11 थे, पिछली क्लास में मैंने 11 बोले होंगे, 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल हैं। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची में शामिल हैं। विश्व विरासत स्थल अलग होते हैं, जो कि भारत में अगर हम बात करें तो 40 है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, जिसमें यूनेस्को में जो शामिल है वो मात्र 12 है। हमें थोड़ी थोड़ी जानकारियां प्रत्येक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखनी है। आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है। 1971 में यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत प्रारंभ किया गया है। MAB कहते हैं इसको, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका मुख्य लक्ष्य ही है मनुष्य और वन्य जीवों का सह अस्तित्व बनाए रखना। यह विश्व की ही नहीं प्रत्येक देश की सबसे बड़ी संरक्षित जगह होती है, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन में सबसे ज्यादा योगदान देती है। इसके 3 जोन होते हैं। कोर जोन, जहां केवल रिसर्च करने वालों को अनुमति होती है और एक अधिकारी को अनुमति होती है जो संरक्षण के काम करते हैं। दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा होता है ट्रांजिशनल जोन। इसकी कोई बाहरी सीमा नहीं होती, या खेती भी की जाती है और यहाँ मकान भी मिलते हैं। बफर जोन में पर्यटन की अनुमति होती है। कोर जोन में कोई भी मनुष्य की एंट्री तक अलाउ नहीं होती है। ये वो जोन होता है जहाँ बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। भारत में 1972 के कानून के अंतर्गत इन्हें बनाया जाता है। ट्रांजिशनल जोन की कोई बाहरी सीमा नहीं होती, वहाँ सभी प्रकार के क्रियाकलाप की अनुमति होती है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात का, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सिखोवा है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया पन्ना है। अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, इसमें कंफ्यूजन होते रहता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। बिल्कुल मुझे याद है, इसलिए थोड़ा तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। इधर ध्यान से देखते चलना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा कच्छ ऑफ रन है, कच्छ का रन है, लेकिन यूनेस्को के 12 में कच्छ का रन है ही नहीं। तो जो 12 है उसमें सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है, उसमें सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा नोकरेक है, नोकरेक जो 12 है उसमें, लेकिन 18 में जो सबसे छोटा है वह डिब्रू सिखोवा है। तो यदि पूछा जाए कि यूनेस्को में शामिल 12 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा तो मन्नार की खाड़ी, सबसे छोटा नोकरेक, लेकिन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा कच्छ का रन और सबसे छोटा डिब्रू सिखोवा है। ये कुमार मंगलम, मेरे लाल तुम्हें इंटरनेट की कमी है इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब मैं एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में प्रश्न बहुत सारे बने हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आज की क्लास है ये बोर लग सकती है आपको, लेकिन UPSC में चयन में पसंद और नापसंद का महत्व नहीं है, सवालों का महत्व है, और यहां से सवाल बहुत आते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पूरा प्रॉपर कवर करना। ये मत सोचना कि ये भी पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ने वाले चयनित हो रहे हैं,
और जिन लोगों को केवल लगता है कि भारत के राज्यों की राजधानियां याद हो गई तो हम भी आईएएस बन जाएंगे, वे कोरे सपनों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। भारत में 18 अधिसूचित है जिसमें से 12 को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया, वो 12 याद होने चाहिए और मैं वो अभी याद करवाऊंगा। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपार, अचन कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा और बारवा पन्ना। सबसे पहले आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब मुझे बताना कि यहां तक तो नहीं हुआ था ना, अब यहां से शुरू करना है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद भी करना है, जी हाँ, एक एक बायोस्फीयर रिजर्व, क्या ये नीलगिरी वाले या एक एक बायोस्फीयर रिजर्व कर लिए थे हम लोगों ने, यही से शुरू करना है। ठीक है, यही से शुरू करना है। प्री और मेंस दोनों के लिए है ये क्लास। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया था कि नीलगिरी में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, मैं आप लोगों से बस एक कमेंट्स पूछ रहा हूं, मुझे बताना क्या हमने बायोस्फीयर रिजर्व एक एक पूरे 12 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए थे? अगर हां तो यस कहिए, और अगर हमने 12 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पढ़े थे तो नो कहिए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। कुछ हां कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं, अद्भुत है। अब हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इसे थोड़ा तेजी से करेंगे हम लोग, लेकिन इसे नोट करना आप लोग, क्योंकि कई सारे सवाल इसमें बनते हैं। भारत का सबसे पहला जहां निशान लगा वो नोट करते चलना है, भली बाद में कर लेना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 2000 में यूनेस्को ने इसे सबसे पहले अपनी सूची में शामिल किया था। पश्चिम घाट में है, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में। इसका क्षेत्रफल भली मत याद रखना, लेकिन यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो भवानी, मोयार, काबिनी, इस तरीके की नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर कौन कौन से अभयारण्य और कौन से नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व हैं, ये पूछा जाता है कि मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो जीव मिलते हैं, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, तो ये सब नोट करते चलिएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है, तटीय प्रकार का है, सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा। और यहाँ मैंने आपको ड्यूगोंग के बारे में बताया था, समुद्री गाय भी इसको कहा जाता है। ड्यूगोंग एकमात्र शाकाहारी जीव जिसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, यहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में। यहाँ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जैसी दो जगह मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनके बारे में याद रखिएगा। फिर उसी टाइप में हमने बात कही थी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में मिलता है, गारो हिल्स की पहाड़ियों पर, सबसे छोटा है 12 में। और यहाँ अगर हम बातचीत करें तो नोक यहाँ पर गनोल, डारेंग, सिमसंग जैसी नदियाँ यहाँ से बहती है। नोकरेक भारत बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पाए जाने वाले कपी, हुलॉक, गिब्बन की एक बड़ी आबादी, इकलौता कपी जो भारत में मिलता है, गिब्बन की आबादी का केंद्र है। यहाँ पिक टेल मकाक मिलता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत पर मिलता है। पंचमढ़ी को, पंचमढ़ी पठार को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। यहाँ बोरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य, सतपुड़ा नेशनल पार्क, तीनों मिलते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कई प्रकार की अलग अलग प्रजातियाँ हैं।
सुंदरवन बायो स्पेयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सजन लेखी वन्य जीव अभयारण्य, लोथियम वन्य जीव अभयारण्य, हॉलीडे वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे पंख वाले उदबिलाव भी मिलते हैं। सिमलीपाल, यहाँ सिमलीपाल मतलब कपास की जो प्रजाति है उसके आधार पर उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्यों रखा गया है? यहाँ की ऊंची चोटी खैरी बुरु है जिसके अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है। वेतरनी और स्वर्णरेखी नदियाँ यहाँ से गुजरती है। सिमलीपाल हदगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कुलदिया वन्य जीव अभयारण्य इसके अंतर्गत आता है। फिर अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 2005 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अमरकंटक अचन कमार और अचन कमार टाइगर रिजर्व। नर्मदा जोहिला सोन नदी यहां से गुजरती है। यहां चार सिंह वाला मृग मिलता है, अगस्त्य मलाया बायोस्फीयर रिजर्व ये मिलता है। हम कहेंगे कि केरल और तमिलनाडु में, तमिलनाडु और केरल राज्य में पश्चिमी घाट में स्थित ये एक और है। नयार वन्य जीव अभयारण्य, पिपारा वन्य जीव अभयारण्य, शेदुम्य वन्य जीव अभयारण्य, कालाकाद मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व यही पर है। कान्नीकरण आदिवासी यही अगस्त्य मलाया बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासी हैं। शोला वनों के लिए जाना जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी 2018 में शामिल किया गया, सिक्किम में स्थित है। दुनिया का बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उच्चतम में से एक है। तिस्ता नदी बहती है यहां से। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में भारत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार। केन नदी यहां से जो गुजर रही नदी है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गेलीथियो राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। केकड़ा खाने वाले प्रसिद्ध मकाक यहां पर उपस्थित होते हैं। तो यहां तक की बातें हमारी हो चुकी थी। अब आते हैं रेड डाटा लिस्ट पर। रेड डाटा लिस्ट IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। सबसे पहले इन लोगों ने जीवों को दो भागों में बांटा है। रेड डाटा बुक समझते चलेंगे 1964 से पब्लिश हो रही है, हर 3 साल में पब्लिश होती है, IUCN पब्लिश करता है। यहां पर यदि हम बातचीत करें तो जीवों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दो भागों में, पहले तो ऐसे जीव जिनके बारे में डाटा है या जिनको ज्ञात किया गया है, फिर दूसरे हैं अज्ञात जिनके बारे में जानकारी नहीं है। ज्ञात में भी दो प्रकार के जीव हैं। एक वे हैं जिसे कहेंगे कि डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, और दूसरे हैं डाटा एडिक्वेट जिनकी जानकारी पर्याप्त है। फिर जानकारी पर्याप्त वाले जीवों को कुल 7 कैटेगरी में बांटा गया है। 7 कैटेगरी में बांटा गया है, तो ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात के भी दो हैं, एक तो डाटा अपर्याप्त है और एक डाटा पर्याप्त वाली बातचीत है। 1964 से हर तीसरे वर्ष लिखा है मैंने, हर चौथे वर्ष जारी होता है। संकटग्रस्त पौधे और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है। रेड लिस्ट हजारों वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार होती है, इसलिए पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसमें दो प्रकार के जीव है, एक तो जिनकी हमारे पास खोज हो चुकी है और वे जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर जो खोजे गए उसमें भी दो है, एक तो एडिक्वेट जानकारी वाले और एक डाटा डेफिशिएंसी वाले जिनके बारे में पूरी खोज अभी तक नहीं हुई है। फिर एडिक्वेट में टोटल हमारे पास 7 कैटेगरी है। इन 7 में 3 कैटेगरी को कहा जाता है संकटग्रस्त,
दो कैटेगरी विलुप्तता की कगार पर और दो कैटेगरी में कहा जाता है कि उतना खतरा नहीं है, ये आगे की ओर जाएंगे तो संकटग्रस्त के रूप में आएंगे। समझना जरा, जैसे कि विलुप्त प्रजाति, सबसे पहली कैटेगरी को समझते हैं, विलुप्त प्रजातियां। आयुसीएन की रेड लिस्ट में विलुप्त प्रजातियां किन्हें कहा जाएगा, किन्हें हम कहेंगे कि वो विलुप्त प्रजातियां हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज। ऐसी कोई भी प्रजातियां जिनका पिछले 50 वर्षों के रिकॉर्ड में कोई जीवित सदस्य नहीं है, ना ही जंगलों में और ना ही चिड़ियाघरों में कोई भी जीवित सदस्य नहीं है, ना पौधे का ना जंतु का, तो उन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति जैसे डायनासोर का उदाहरण, मॉरिशस का डोडो पक्षी का उदाहरण, भारत के चीते, भारतीय प्रजाति है चीतों की एक, जो वर्तमान में चीते भारत में आए वो अफ्रीकन प्रजाति के हैं, तो भारतीय चीते तब भी विलुप्त ही रहेंगे क्योंकि भारतीय चीतों की प्रजाति आज भी नहीं मिलती। अब तो विलुप्त जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है। फिर दूसरा होता है वनों से विलुप्त प्रजाति। अब वनों से विलुप्त प्रजाति का मतलब, तो वनों से विलुप्त प्रजाति ये दूसरी कैटेगरी है। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनके अब वनों में कोई जीवित सदस्य नहीं है। हां, कुछ चिड़ियाघर या किसी पर्टिकुलर कृत्रिम जगह पर कुछ एक दो जीव उनके मिल सकते हैं। देखो, कोई भी प्रजाति अचानक विलुप्त नहीं होती। ऐसा मत सोचा करिएगा जैसे कई लोगों को लगता होगा कि सर ये अचानक कैसे होता है, तो अचानक नहीं होता। इसका डाटा सब इस आयुसीएन के पास अवेलेबल है, पूरा डाटा। तो कोई भी प्रजाति पहले लीस्ट कंसर्न में आती है, फिर खतरे के नजदीक आती है, फिर वल्नरेबल मतलब सुभेद्य बनती है, फिर एंडेंजर्ड बनती है, फिर क्रिटिकल एंडेंजर्ड बनती है, फिर वह जंगलों से विलुप्त होती है और फिर वो पूरी तरह से विलुप्त होती है। तो कोई एक दिन में नहीं होता है, बल्कि काफी लंबा इतिहास होता है। और क्यों? क्योंकि इनके पास इन प्रजातियों की कितनी आबादी है, किस देश में कौन सी कितनी आबादी है, इनकी कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, इसका पूरा इनके पास पर्याप्त डाटा है। और इसी के आधार पर वो ये परिणाम निकाल पाते कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई और कौन सी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई। तो पहली कैटेगरी हमने कहा विलुप्त की, जिनका कोई जीवित सदस्य नहीं है। वन्य जीवों से विलुप्त इसकी दूसरी कैटेगरी है कि वनों में कोई नहीं है, कुछ कृत्रिम जगह पर एक दो जीव आपको मिल सकते हैं। फिर इसकी तीसरी कैटेगरी जो होती है, तीसरी कैटेगरी में आते हैं अत्यधिक संकटग्रस्त। अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है या तो ऐसी प्रजाति जिनकी पिछले 10 वर्षों में आबादी 90% तक कम हो गई हो, या ऐसी प्रजाति जिनके जीवित वयस्कों की आबादी 50 वयस्कों की आबादी हो, वयस्कों की, या फिर ऐसी प्रजाति जिनके विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा हो, वेरी, या हम कह सकते हैं कि वेरी हाई रिस्क इनके विलुप्त होने का हो, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो उसे कहेंगे अत्यधिक संकटग्रस्त। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति का सिंपल सा मतलब है ऐसी प्रजातियां जो कि या तो 50 संख्या में बच गई वयस्कों में, या 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 90% आबादी कम हो गई है, या उनके विलुप्ति का खतरा बहुत ही ज्यादा है। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति जैसे ग्रेट साइबेरियन क्रेन, जंगली उल्लू इसका उदाहरण है। फिर अगली कैटेगरी है संकटग्रस्त प्रजाति। ऐसी प्रजाति को संकटग्रस्त कहेंगे जिनकी पिछले 10 वर्षों में आबादी न्यूनतम 70% तक खत्म हो गई हो,
या उनके 250 वयस्क सदस्य हो या फिर उनके खतरे का उच्च खतरा हो, हाई रिस्क हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो संकटग्रस्त हैं, उसे एंडेंजर्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। और फिर तीसरी होती है सुभेद्य। सुभेद्य मतलब वल्नरेबल। और सुभेद्य में याद रखना, या तो पिछले 10 वर्षों में उनकी आबादी 50% तक कम हो गई हो, उनके वयस्क सदस्यों की आबादी 10,000 हो, या उनके विलुप्त होने का खतरा हो, तो उन्हें कहते हैं सुभेद्य। असुरक्षित या सुभेद्य वल्नरेबल हम कहेंगे कि यह खतरे का सिग्नल माना जाता है। फिर अगली कैटेगरी है नियर थ्रिटेन, खतरे के नज़दीक। ऐसी प्रजाति जो उपयुक्त में से किसी कैटेगरी में नहीं आती, एक्सटिंग में नहीं आती, एक्सटिंग फ्रॉम वाइल्ड में नहीं आती, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आती, एंडेंजर्ड में नहीं आती, वल्नरेबल में नहीं आती, लेकिन उस प्रजाति की आबादी तेजी से घट रही हो, तो उसे कहते हैं खतरे के निकट। खतरे के निकट नियर थ्रिटेन। फिर होती है लीस कंसर्न या संकट मुक्त। ऐसी प्रजाति जिनकी बहुत सारी आबादी है, उनको कोई खतरा नहीं है, जैसे घर में मिलने वाले चूहे, जैसे घर में मिलने वाली छिपकली, ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है संकट मुक्त। और आखिरी होता है डाटा डेफिशिएंट, मतलब जिनकी जानकारी है ही नहीं, तो वहां कोई बात ही नहीं रहेगी। अनाकलित का मतलब उनके बारे में तो पता भी नहीं है कि वो है भी या नहीं है। रेड डाटा बुक में तीन तरीके के पन्ने होते हैं, जो ग्रीन पेज होते हैं उन ग्रीन पेज पर ऐसा प्रजाति को रखते हैं जिन पर कोई खतरा नहीं, गुलाबी पेज में रखे जाते हैं जिन प्रजातियां एंडेंजर्ड में हैं, मतलब गुलाबी पेज में इन प्रजातियों को रखा जाएगा, इन प्रजातियों को गुलाबी पन्नों में छापा जाता है, इन्हें हरे पन्नों में छापा जाता है, और ये लाल पन्नों में छापे जाते हैं जो विलुप्त हो चुकी है, जो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के नजदीक है, उन्हें लाल पेज पर छापा जाता है। तो यदि हम बात करें तो इसके हरे पन्ने का मतलब होता है कि रिस्क में नहीं है, पिंक पेज का मतलब रिस्क शुरू हो चुका है, और रेड पेज का मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं। इनके पास प्रत्येक प्रजाति की पर्याप्त मात्रा में संख्या है। यहां मैं आप लोगों का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज 450 करोड़ साल हो चुके हैं, तो क्या 450 करोड़ साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रजातियां विलुप्त हुई होगी? तो याद रखना, एक साथ 50 और 60% विश्व की अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म होती गई हैं, ऐसा इस पृथ्वी पर 5 बार हुआ है। इसे कहा जाता है मास डिस्ट्रक्शन। प्रकृति नाराज होती है, प्रकृति में आपदाएं आती हैं, और एक साथ प्रकृति लाखों प्रजातियां खत्म कर डालती है, इसे कहते हैं मास डिस्ट्रक्शन। ऐसा 5 बार प्रकृति ने किया है। कहा जा रहा है कि छठवां मास डिस्ट्रक्शन प्रकृति नहीं करेगी, मनुष्य करेगा, और मनुष्य को छठवें मास डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी दी गई है। मतलब कहा जाता है कि छठवें प्रजातियां जिस तरीके से तेजी से विलुप्त हो रही हैं, उसमें मनुष्य को जिम्मेदार माना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भयानक घटना है, जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है कि किस तरीके की स्थितियां आगे बढ़ रही है। ये एक टेबल आपको पीडीएफ के रूप में मैं दूंगा, ये याद कर लेना। इन्हीं प्रजातियों से सवाल पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है कि वो कौन है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है। थोड़ा आयुसीएन के बारे में सुन लीजिए। आयुसीएन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन साधारण नहीं, 1948 का बहुत बड़ा संगठन है। ग्लेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और आयुसीएन हर मतलब एक संगठन, कांग्रेस इसकी मतलब इसकी एक सभा बैठती है, जो निर्णय लेती है उसको पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। आयुसीएन सरकार और नागरिक दोनों ने मिलकर बनाया एनजीओ है।
प्रकृति की रक्षा के लिए 1948 ग्लेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1964 से हर चौथे वर्ष रेड लिस्ट प्रकाशित करता है। अब आते हैं आयुसीएन रेड लिस्ट के बाद हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट पर। अब ध्यान से सुनना, हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स महोदय ने 1988 में पहली बार इस शब्द का उपयोग किया। भूगोल में भी हॉट स्पॉट होते हैं, लेकिन भूगोल में उस जगह को हॉट स्पॉट कहते हैं जहां से पृथ्वी की गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है या मैग्मा किसी दरार से जब बाहर निकलता है बिना विस्फोट के, तो उसे ज्योग्राफी में हॉट स्पॉट कहते हैं। पर इकोलॉजी एनवायरमेंट में हॉट स्पॉट उस जगह को कहते हैं जहां दो कैरेक्टर होते हैं। पहला एंडेमिज्म महोदय, एंडेमिज्म स्थानिकता, मतलब पौधे या जंतुओं की ऐसी प्रजाति जो कहीं बाहर से नहीं लाई गई है, वही की उत्पत्ति है उनकी, तो उसे कहते हैं स्थानिकता। यदि किसी जगह पर बहुत बड़ी संख्या में पौधे जंतुओं की स्थानिकता हो, मतलब वहां जैव विविधता तो है लेकिन कहीं से मंगाई गई नहीं है, वो वही के खुद वही की ओरिजिन वाली प्रजातियां हैं, और दूसरा वहां खतरा है उनके विलुप्ति का, तो इन दो क्राइटेरिया के नाम पर हॉट स्पॉट बनाए जाते हैं। इस समय दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है, जिसमें भारत के 4 हॉट स्पॉट है। इन 4 में या इन 36 में 8 हॉट स्पॉटों को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कहा जाता है, जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, वहां एक क्राइटेरिया है कि 1500 के आसपास स्थानिक वनस्पति की प्रजातियां होगी। 36 में 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है, जिसमें भारत के 2 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। आइए जरा देखते हैं हॉट स्पॉट। सर्वाधिक जैव विविधता वाले संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। नॉर्मन मायर्स ने शब्द को उपयोग किया था। ऐसे स्थल जहां प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, किंतु साथ ही उसे नष्ट या विलुप्त होने का संकट रहता है। सबसे अधिक हॉट स्पॉट कर्क और मकर रेखा के मध्य में मिलते हैं। किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने का क्राइटेरिया, मस्ट हैव मोर देन 1500 एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक का मतलब स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। इट हैज हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इज ओरिजिनल हैबिटेट, 70% वहां के आवास खतरे में हो। दुनिया में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं और भारत में इसमें से 4 हैं। वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा बॉर्डर है, भारत का पूर्वी हिमालय है और सुंडालैंड है। इस सुंडालैंड में भारत का निकोबार अंडमान वाला क्षेत्र आ जाता है। ये कुल हॉट स्पॉट है दुनिया भर के। 36वां हॉट स्पॉट जो अभी लेटेस्ट में तय किया गया था वो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, ग्लोबल हॉट स्पॉट जो अमेरिका के मेक्सिको वाला, सॉरी कैलिफोर्निया वाला नहीं। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, 8 ऐसे हॉट स्पॉट है जो हॉटेस्ट है, जिसमें भारत के 2 हैं, इंडो बर्मा बॉर्डर और वेस्टर्न घाट। भारत में कुल हॉट स्पॉट 4 है। पूर्वी हिमालय, हिमालय में भी ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न नहीं महोदय, केवल ईस्टर्न, पूर्वी हिमालय। दूसरा इंडो बर्मा बॉर्डर, तीसरा सुंडालैंड मतलब अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, चौथा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। अब क्योंकि यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, यह भी एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए यहां देश की सीमाओं पर गौर नहीं किया जाएगा। हिमालयन में पूर्वी हिमालय याद रखना। पूर्वी हिमालय,
अब इधर ध्यान देते चलिएगा प्लीज। हिमालयन क्षेत्र, ये पूछा जा सकता है कि उस पूर्वी हिमालय में कौन कौन है, तो याद रखना भारत के अलावा तिब्बत, नेपाल, भूटान, तिब्बत मतलब चाइना भी आ गया फिर, और म्यांमार, इंडो बर्मा बॉर्डर, म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ दीजिए, तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउथ चाइना, इंडो बर्मा में आते ये सब पूछे जा सकते हैं। सुंडालैंड में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, साथ ही साथ निकोबार। वेस्टर्न घाट में केवल दो ही है, भारत और श्रीलंका। ये चार कलर में आपको दिख रहे होंगे, पूरा हिमालय नहीं, पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय का भाग आता है इसमें मेनली। वेस्टर्न घाट ये इंडो बर्मा बॉर्डर का क्षेत्र है और ये सुंडालैंड का क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा बॉर्डर, सबसे छोटा वेस्टर्न घाट है। यहां पर इन हॉट स्पॉटों को पैसा कहां से मिलता है, तो क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड की सहायता से। क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड इसके लिए सबसे ज्यादा पैसा उपलब्ध कराता है, और इनको पैसा कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, जापान की सरकार, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दिया जाता है। फिर है होप स्पॉट। जैसे जमीनों के लिए हॉट स्पॉट है, वैसे ही समुद्रों के लिए होप स्पॉट बनाए गए हैं, और होप स्पॉट में भारत के दो होप स्पॉट हैं, अंडमान निकोबार वाला जो आसपास का तटीय भाग है, और लक्षद्वीप के आसपास का जो तटीय समुद्र भाग है, उन दोनों को होप स्पॉट का कंसेप्ट अमेरिका ओशनोग्राफर सिल्विया अर्ले ने दिया था। इस समय दुनिया में कुल 31 होप स्पॉट है, जिसमें भारत के दो। ये 31 होप स्पॉटों की सूची है जिसमें भारत के शामिल हैं दो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। रेड डाटा बुक हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सम्मेलनों पर, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सबसे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जब आयोजित हुआ ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, उस जमाने में वो राजधानी थी, आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। तब पृथ्वी सम्मेलन में 5 अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई थी, जिसमें जैव विविधता का भी एक सम्मेलन था, उसका नाम रखा गया था जैव विविधता पर अभी समय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म CBD कहते हैं। इसमें पहली बार जैव विविधता का महत्व दुनिया के सामने रखा, जैसे आज आपको समझा रहा हूं मैं, वैसे 1992 में वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया के राजनीतिज्ञों को, बड़े बड़े लीडरों को बायोडाइवर्सिटी समझाई, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, और दुनिया के राजनीतिज्ञों ने वादा किया कि हम बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए मुलाकातें करते रहेंगे, और हर 2 साल में हर एक देश के प्रतिनिधिमंडल, जिनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, वे हर 2 साल में बायोडाइवर्सिटी के लिए मिलेंगे। अब जो नए विद्यार्थी वो कहेंगे, सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ाया था, तो वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज के लिए था। ऐसे भारत तीन ऐसे पूरे साल भर में विश्व में 10 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, हर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का विषय अलग अलग होता है।
तो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रति वर्ष होता है, बायोडायवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर दो वर्ष में होता है। 1992 में सीबीडी आया था, 1994 में विश्व के देशों ने उसे एक्सेप्ट किया और 1994 से लगातार सीबीडी की बैठकें होती चली आ रही है। हर दो साल में बैठकें होती है। वर्ष 2000 में हमने इन्हीं बैठकों में कार्टेजिना प्रोटोकॉल साइन किया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का मकसद था जैव विविधता की रक्षा करना, किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों से। बीटी बैगन, बीटी कॉटन आना शुरू हो गए थे, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से जैव विविधता की रक्षा के लिए विश्व के देशों ने हामी भरी, वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था। वर्ष 2000 में इसको प्रारंभ किया गया। वर्ष 2010 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए और एक बड़ा प्रोटोकॉल आया, नागोया प्रोटोकॉल। जापान के नागोया में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नागोया प्रोटोकॉल में 5 बड़े लक्ष्य तय किए गए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जिन्हें 20 छोटे लक्ष्यों में बांटा गया। उन्हें आईची लक्ष्य नाम दिया गया। नागोया प्रोटोकॉल में जैव विविधता के संरक्षण के लिए आईची लक्ष्य आए। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, बायोडायवर्सिटी के सम्मेलनों में 3 बड़े सम्मेलन तुम्हें याद होने चाहिए। पहला सीबीडी, जैव विविधता पर अभी समय 1992, दूसरा कार्टेजिना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 और तीसरा नागोया प्रोटोकॉल जिसमें आईची लक्ष्य आए थे 2010। अगर ये 3 चीजें आपको याद है तो इसके सम्मेलनों में आपको चीजें बेटर हो जाएगी। आइए जरा देखते हैं पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको हमने नाम दिया है सीबीडी, यूनाइटेड नेशन सीबीडी भी इसको कई बार कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का ही एक सम्मेलन था जिसको यूएन सीबीडी, जो इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट के तहत हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ए न्यू ब्लूप्रिंट फॉर इंटरनेशनल एक्शन ऑन इन्वायरमेंट यूएनसीडी के तहत ये हुआ था। इस सम्मेलन के कन्वेंशन में 5 सम्मेलन हुए थे जिसमें दूसरा था सीबीडी, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीबीडी पर, जैव विविधता से संबंधित पहला अंतरराष्ट्रीय संधि थी 1992 के रियो डी जेनेरियो में। इस संधि पर सहमति बनी, पर यह संधि 1992 में लाने से पहले इस पर चर्चाएं हो गई थी। ये 1992 के सम्मेलन में लाई जरूर गई, लेकिन उसके पहले ही वैश्विक सम्मेलन हो चुका था केनिया की राजधानी नैरोबी में, और 22 मई को यह सम्मेलन केनिया में नैरोबी में स्वीकार कर लिया गया था। फिर 1992 के जून महीने में, मई के बाद जून महीने में रियो डी जेनेरियो में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मैंने शायद 94 बोल दिया था, तो 94 नहीं, पहले 22 मई 1992 को नैरोबी में ये प्रस्तावित किया गया था, और इसीलिए 22 मई को पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे के रूप में। दूसरा, जून 1992 में इसे पृथ्वी सम्मेलन में पेश करके स्वीकार किया गया। 22 मई को इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संधि जो पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। ओरिजिनली इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993, मतलब अंतिम रूप में देशों के द्वारा स्वीकार कर ली गई 1993 में। तो थोड़ा डाटा देखते चलना, सबसे पहले 22 मई नैरोबी में लाई गई, जून 1992 में प्रस्तावित की गई, पेश की गई,
रियो डी जेनेरियो या रियो सम्मेलन में, और दिसंबर 1993 में दुनिया भर ने इसको स्वीकार कर लिया। क्या लक्ष्य था? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का धारणीय विकास, और सभी लोगों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सभी लाभों तक पहुंचाना। जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी बनाई गई और हर दो वर्ष में बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य भी रखा गया। हर दो वर्ष में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बातचीत हुई। तो सीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कुल 196 देश भाग लेते हैं और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फाइनली पूरे निर्णय लेने का काम करती हैं कि बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए दुनिया भर में क्या होना चाहिए। फिर वर्ष 2000 में आया कार्टेजिना प्रोटोकॉल, कोलंबिया के कार्टेजिना में, जिसका मेन मकसद था जेनेटिक तरीके से जो लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, उनसे जैव विविधता की रक्षा करना। जैव विविधता की रक्षा करना, जेनेटिक रूप से सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पाद के बारे में विवरण लिखना कंपलसरी किया गया। सदस्य देशों को यदि लगता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण या उत्पाद को हानि पहुंचा रहा है तो वो उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इसका नाम रखा गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की रक्षा करना जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, जिसे लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। 29 जनवरी वर्ष 2000 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट माना जाता है सीबीडी का, जो कि 11 सितंबर 2003 को दुनिया भर में लागू हुआ और इसका मेन मकसद था जैव विविधता को बचाना अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। कार्टेजिना प्रोटोकॉल पर अभी तक 173 देशों ने साइन कर लिए हैं और इस प्रोटोकॉल का मेन मकसद है जेनेटिकली मोडिफाइड चीजों के बारे में खुलकर स्पष्ट जानकारी छापना। नगोया प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन की जेनेरिक संसाधनों पर भागीदारी पर समझौता, इसका मतलब जो भी जनजाति, जो भी वन के मूल निवासी होते हैं, वे जैव विविधता के लाभों से परिचित है तो उन लाभों का यदि कोई कमर्शियल यूज करेगा तो उन लोगों तक भी लाभों का पैसा पहुंचाया जाएगा। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल जापान के नगोया में, 2014 से प्रभावी भारत ने भी 2014 में साइन कर लिए। नगोया प्रोटोकॉल का मेन मकसद है फेयर एंड इक्वेटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अभी तक क्या होता था कि बायोडायवर्सिटी के लाभों को केवल मल्टीनेशनल कंपनी यूटिलाइज कर रही थी और अपनी कमाई को बढ़ा रही थी। नगोया में कहा गया कि जो भी लाभ कोई कंपनी कमा रही है तो जिस पौधे से कोई औषधि बन गई, जंतु से कोई औषधि बन गई, तो उन पौधों का संरक्षण जिन समुदायों ने करके रखा है उन्हें भी लाभ का वितरण होना चाहिए। इसलिए नगोया प्रोटोकॉल में पहली बार फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात की गई। 2014 से लागू है और नगोया प्रोटोकॉल में साथ ही साथ एक और चीज की गई कि बायोडायवर्सिटी सिलेक्शन, मतलब एक तरीके से बचाव के लिए आईची लक्ष्य तय किए गए। आईची लक्ष्य 5 हैं जिन्हें 20 भागों में बांटा गया है। जैव विविधता नुकसान के कारणों को समझना, जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता स्थिति में सुधार लाना, जैव विविधता और परितंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्धन करना, साझेदारी नियोजन, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए क्रियान्वयन, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा सहयोग को बेहतर करना बायोडायवर्सिटी को बेटर करने के लिए। इसको नाम दिया गया आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट, जिन्हें रणनीतिक गोल ए, रणनीतिक गोल बी, रणनीतिक गोल सी, रणनीतिक गोल डी, रणनीतिक गोल ई में बांटा गया। एड्रेस एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडायवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज,
टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डायवर्सिटी, इनहांस द बेनिफिट फ्रॉम ऑल फ्रॉम ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेस, और स्ट्रेटजिक गोल ई इनहांस इम्प्लांटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर उन पांच को 20 भागों में बांटा गया है, जैसे पहले में ये चार भाग है, दूसरे में ये छह भाग है, तीसरे में यह तीन भाग है, चौथे में यह तीन भाग है और पांचवे में यह चार भाग है। कुल 20 भागों में बांटा गया है और वर्तमान में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15वीं बैठक हुई थी कनाडा में। 15वीं बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अभी लेटेस्ट 10 नवंबर 2022 में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जल्द से जल्द हमें जैव विविधता को संरक्षित करना होगा। अब इतने सारे घटनाक्रम होने के बाद हमारे देश में सीबीडी को साइन किया गया, कार्टेजिना को साइन किया गया, तो उसके बाद हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार को क्लियरली समझ में आया कि हमें कानून बनाना होगा जो जैव विविधता के संरक्षण पर काम कर पाएगा। तो हमारे देश में बायोडायवर्सिटी अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत हमारे देश में बायोडायवर्सिटी कुछ संस्थाओं का भी निर्माण किया गया। आइए जरा इधर ध्यान दीजिएगा, जैविक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब बायोडायवर्सिटी को बचाने और उनका बेहतर यूज करने के लिए। तब हमारे देश में तीन लेवल पर काम किए गए। केंद्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और जिला स्तर पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। देखो कानून बहुत मजबूत है, बस क्रियान्वयन सही तरीके का नहीं है। तो हमें देखना है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी क्या है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि 2002 के कानून के तहत बनी है। इसका मेन काम है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को सलाह देगा बायोडायवर्सिटी संरक्षण की, सलाहकारी प्रकृति, और उसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर दूसरा है राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, राज्य सरकार से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि वाले अधिकतम 5 पदेन अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है। इसका काम क्या है, राज्य सरकारों को सलाह देना बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड नहीं है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भारत के केंद्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को सौंपी गई है। और फिर जिले स्तर पर लोकल लेवल पर जैसे पंचायतें होती हैं, वैसे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं और इनको बहुत अच्छा काम सौंपा गया है, लेकिन करता कोई नहीं है। हर एक जिले में एक रजिस्टर्ड बनाने का आदेश दिया गया है और पूछा गया है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को इन्वाइट करिए और उनसे पूछिए कि यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन से जीव जंतुओं को उन्होंने देखा है, उनके क्या क्या उत्पादों का वो उपयोग करते, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता। महिलाओं का होना जरूरी है कुल सदस्यों में। यहां पर एक डायरी रखी जाती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना है, लेकिन कोई आपने सुना भी नहीं होगा। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर के तहत स्थानीय जैव विविधता पारंपरिक ज्ञान और कार्यों के सहभागी अभिलेखन पर ध्यान केंद्रित होता है। सोचो कि अगर ये सही तरीके से काम करते हैं तो आज हमारे देश में एक ऐसा डाटा तैयार होता कि भारत की कितनी बायोडायवर्सिटी है और कितना परंपरागत ज्ञान है, सब पता चल जाता। अब आइए कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिंह है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला है,
मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम हैं, मेट्रो मैन ई श्रीधरन हैं, और वृक्ष पुरुष मतलब ट्री मैन जादव पायेंग को कहा जाता है। ये जोड़ी बनाने के प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं कुछ सवालों पर। देखे कितने लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। चैप्टर खत्म हो चुका है। यूपीएससी का 2011 का प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी का अस्तित्व या बायोडायवर्सिटी निम्नलिखित माध्यम से मानव अस्तित्व का आधार बनी है, मतलब हमें कौन कौन सी सेवाएं बायोडायवर्सिटी की मिलती है। तो मृदा निर्माण मैंने लिखवाया था कि मृदा निर्माण, मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्टों का पुनर्चक्रण और परागण, फसलों का पॉलिनेशन, मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स तक ले जाने का दायित्व, ये सारा कुछ यही करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आज तक वैज्ञानिक कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाए जो पौधों या फूलों के मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स तक लेकर जा सके। चेक करिएगा कितने सवालों के उत्तर आप सही निकाल पाते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं। और अगर नहीं सिलेक्शन और आपको यदि मतलब आंसर नहीं आ पा रहे तो ये क्लियर सी बात है कि आपसे नहीं होने वाला है, आप छोड़ दीजिए तैयारी। 2011 इनमें से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु इन सीटू पद्धति नहीं है, इन सीटू पद्धति नहीं है, Which one is not a in situ conservation site? In situ कौन सा नहीं है? तो बोटेनिकल गार्डन इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। 2011 उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है, इसका मतलब इन अक्षांशों की तुलना में यहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नांशों में, उन्नांश मतलब ऊंचाई एल्टीट्यूड की तुलना में निम्न उन्नांशों में जैव विविधता अधिक होती है, यहां की तुलना में यहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। दो कथन पूछे गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी कि दोनों ही कथन सही है। दो यूपीएससी निम्न में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस या बायोडायवर्सिटी को थ्रेट किन किन कारणों से हो सकता है, जैव विविधता को खतरा किन किन कारणों से हो सकता है, आपसे पूछा गया है। बहुत सारे गंदे लाल लाली हवाबाजी और तुक्केबाजी में भरोसा कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मेरे लाल लालियों, शाकाहार को प्रोत्साहन करने से कौन सा बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो जाएगा? शाकाहार प्रमोट करोगे तो जैव विविधता खतरे में कहां से आ जाएगी? शाकाहार तो बहुत अच्छा आहार है, इससे कभी बायोडायवर्सिटी खतरे में नहीं आएगी, इससे तो वन्य जीवों का संरक्षण ही होगा। मांसाहार को प्रोत्साहन देने से तो ही बायोडायवर्सिटी खतरे में आ सकती थी, चौथा तो हो ही नहीं सकता था। और कुछ गंदे लोगों ने सीधा डी लगा दिया। बाकी वैश्विक तापन के कारण, आवास के डिस्ट्रक्शन के कारण, विदेशी जाति के आक्रमण या संक्रमण के कारण,
आंसर आना चाहिए था ए, पहला, दूसरा और तीसरा। पर शाकाहार को प्रोत्साहित करने से जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बहुत कॉमन सी बात समझ में आनी चाहिए थी। 2014, निम्नलिखित में से किस घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? जीवों का विकास मतलब जीवों में परिवर्तन आए, बदलाव आए। आंसर आना चाहिए था दोनों ही। ऑब्वियसली महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जीवों के जगह बदल गई, तो एडाप्टेशन हुआ, नए जीव बने। और जब हिमानी चक्र होता है, मतलब ग्लेशियर्स आकर हिमयुग आता है, गर्म युग आता है, तो उसके कारण भी जीवों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। 2015, आयुसीएन, क्या आयुसीएन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है? तो पहले तो हम कहेंगे कि आयुसीएन हो ही नहीं सकता है, और इसी के एक बलबूते उत्तर मिल चुका था, भले ही आगे का कुछ भी आपको पता ना हो। मुझे उम्मीद है कि बायोडायवर्सिटी आपने प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बाकी शेयर लाइक करते चलिएगा। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीरियस नहीं लग रहे हैं, और फिर समस्याएं आएगी कि बाद में अचानक आप कहेंगे कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। यही टाइम है चीजों को प्रॉपर तरीके से पूरा करने का। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।